हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैथ की वीडियो में हम देखने वाले हैं मैथ के एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है परसेंटेज। ये क्लास फोर है, इन सभी एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा और इन टाइमिंग को आप नोट कर सकते हैं। डेली आपको इन पर वीडियोज़ मिलती है। करंट अफेयर सुबह 7 बजे, रीजनिंग आपकी दोपहर 3 बजे और ये मैथ आपका 9 बजे, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा। डेली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ये क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रखे हैं जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। RPFSI, कॉन्स्टेबल, CBT 2, ALP CBT 2, ठीक है, UP पुलिस, SSCGD या फिर कोई भी और एग्जाम है, ठीक है। और आप डेली नोटिफिकेशन ले सकते हैं नीचे रेड कलर का बटन दबा करके, बेल आइकन को ऑन करके आपके पास डेली नोटिफिकेशन पहुंचने स्टार्ट हो जाएंगे। आप इन टेस्ट को भी परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने मार्क्स बढ़ा सकते हैं। बहुत ही सस्ते टेस्ट है, 20 रुपये में आपको, सॉरी 20 टेस्ट 120 रुपये में यहाँ पर मिल रहे हैं और इस कोड को भर के आप 30 रुपये का डिस्काउंट भी ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को और मैं आशा करता हूँ कि आप वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे और वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है और देखिए साथ साथ में जितने भी मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगा उनको आप ट्राई भी करते रहिएगा। जो भी राइट आंसर आपका आता है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुए दूसरे उम्मीदवार द्वारा 420 मतों से पराजित हो गया, मतदान में कितने मत डाले गए। तो इसको जरूर ट्राई करिए क्योंकि मैं जब क्वेश्चन करा देता हूँ आपको बहुत इजी लगता है, बट आप शुरू में ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या था और क्वेश्चन कैसे करना था, ठीक है। तो वीडियो को रोक करके एक बार ट्राई जरूर करिएगा। यहाँ पे दोबारा से मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, यानी कि मान लीजिए एक चुनाव हुआ है उसमें ए और बी दो उम्मीदवार थे, उम्मीदवार जिसे 43% मत प्राप्त हुए दूसरे उम्मीदवार को 420 मतों से पराजित हो गया, मतदान में कितने मत डाले गए। तो आप ये बताइए, किसी भी चुनाव में 100% वोटिंग होगी, ठीक है, 100% में से एक को 43% मिल रहे हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 57% वोट मिलेंगे। तो ये 57% वाला इसको कितने वोटों से हरा रहा है, 420 वोटों से हरा रहा है, ठीक है। 43% जिसको 43% वोट मिले हैं वो इसको कितने वोटों से हरा रहा है, 420 से। तो इनके बीच में परसेंटेज का डिफरेंस देख लीजिए ना, कितना डिफरेंस है, 14% का। तो 14% इक्वल वोट, तो 14% इक्वल आपका हो जाएगा 420। तो जब आपको 14% का पता चल गया कि 14% के इक्वल 420 है, तो 100% का निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, 420 को आप 14 से डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितनी टाइम जाएगा, 30 टाइम, और 30 के 100 में करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 3000। यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका हो जाएगा डी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जल्दी से ट्राई करिए इसको और इसका जो भी राइट आंसर आपका आता है उसको जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, ठीक है, उसने 133 अंक प्राप्त तथा वह 67 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, तो कुल पूर्णांक कितने थे। अब मुझे ये बताइए, किसी परीक्षा में अगर उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक चाहिए और उसे 133 अंक प्राप्त हुए और वह 67 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, तो उसको घोषित यानी कि कुल पूर्णांक कितने थे। देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको जितने अंकों से ये फेल हुआ है उसको इतने अंक दे दूँ तो ये पास हो जाएगा, इसको इतने अंक मिले हैं, 133 अंक मिले हैं और इतने से ये 67 से फेल हो गया। अगर मैं इसको 67 अंक दे दूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये पास हो जाएगा, ठीक है, बस ये मेरे को पास ही करना है क्योंकि मुझे पता है 40% पे पास होता है। तो 40% इक्वल क्या हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन बिल्कुल भी हार्ड नहीं होते, आपको करने का तरीका आना चाहिए। तो यहाँ पे पासिंग मार्क्स क्या हो गए, 133 प्लस 67, तो पासिंग मार्क्स आपके कितने हो गए, 200। अब 200 अगर आपके पासिंग मार्क्स हैं और पासिंग परसेंटेज कितनी है, वो 40% है, तो 40% कितना हो गया आपका, 200, 40% इक्वल क्या हो गया, 200 हो गया है, तो आप 100% ईजिली निकाल सकते हैं। तो 200 डिवाइड करेंगे 40 से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 से जाएगा 25 टाइम और 5 की 100 में करेंगे तो 500 हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इसमें बिल्कुल भी कोई परेशानी नहीं आई होगी मुझे लगता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस करने का जो तरीका था वो बहुत ही आसान था, ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर थ्री एक बहुत ही अच्छा और मतलब जिसको मैं बोल सकता हूँ कि 99% चांसेस है कि आपके एग्जाम में आएगा ही, ठीक है। और उसकी मैं बहुत ही ज़बरदस्त एक बहुत ही सिंपल सी ट्रिक बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर थ्री। जितने बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो ट्राई करिएगा, और अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पर बोला जा रहा है तेल के भाव में 25% वृद्धि हो जाने पर एक गृहिणी को तेल की खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए कि इस मद में खर्च ना बढ़े। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक तेल के जो भाव है उसमें 25% की वृद्धि हो गई, उसमें इंक्रीमेंट हुआ कितना 25% का। यहाँ पे बोला जा रहा है कि कितना खपत कम की जाए, कितनी प्रतिशत जो खपत है तेल की उसको कम किया जाए कि इसके जो प्राइस इंक्रीज हुए हैं, जो इसके भाव में वृद्धि हुई है, उसका कोई फर्क ना पड़े, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया गया है, बस एक ये दिया गया कि 25% की वृद्धि हुई है, तो इसको सिर्फ आपको इस 25% से ही करना है। शॉर्ट ट्रिक है, नोट कर लीजिएगा इसको, बहुत ही आसान सी शॉर्ट ट्रिक है। आर अपॉन में 100 + R × 100 करना है, प्रतिशत की कमी निकालनी है ना, तो आर अपॉन में 100 + R × 100 करना है। तो यहाँ पे आर क्या हो जाएगा आपका, जो कमी हुई है, ठीक है ना, सॉरी जो इंक्रीमेंट हुआ है ना प्राइस में, वो आपको लिखना है आर, वो हो जाएगा इंक्रीमेंट, ठीक है। इसी कंडीशन में आपका हो सकता है कि कितना कई बार क्या होता है, चलिए पहले इस क्वेश्चन को कर लेते हैं, फिर मैं आपको इसमें बताऊंगा कि दूसरा वेरिएशन क्या बन सकता है इस क्वेश्चन का। तो आर अपॉन में 100 + R × 100 कर दिया, तो आर क्या होगा आपका 25 हो गया, अपॉन में 100 + 25 × 100 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 25 अपॉन में 125, और इंटू कर देंगे 100 से, तो 25 से 125 जाएगा 5 टाइम, 5 को डिवाइड कर देंगे 100 से तो जाएगा 20 टाइम, तो कितना हो गया आपका 20% आपका राइट आंसर बन गया। देखिए ये तो आपका आंसर आ चुका है, ठीक है। और ये कौन सी कंडीशन है, प्रतिशत कमी कितनी करनी है, जब तेल के या किसी भी कमोडिटी के प्राइस बढ़ते हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ के अगर प्राइस बढ़ेंगे और पूछा जाए कि कितना खपत कम की जाए, तो आपको ये ट्रिक यूज करनी है। कई बार क्या होता है कि जो भी यहाँ पे कमोडिटी होगी, मान लीजिए तेल के प्राइस 25% की वृद्धि ना हो के घटते, कि तेल के प्राइस कितने कम होंगे, मतलब 25% कम हो गए, तो कितना यहाँ पे आपको खपत बढ़ानी है अपनी, कि अपना जो जो खर्चा पहले था वही रहे। समझ रहे हैं ना आप इस चीज़ को, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। मान लीजिए तेल के भाव यहाँ पे 25% की कमी होती, वृद्धि नहीं होती, कमी होती, और यहाँ पे बोला जाता कि अब बताओ कि कितनी खपत बढ़ाई जाए कि जो ये 25% आपका प्राइस यहाँ पे घटा था, कि आपको वो खर्चा उतना ही रहे जितना आप पहले कर रहे थे। तो इसमें बस आपको इस ट्रिक में इतना ही चेंज करना है, यहाँ पे आर अपॉन में 100 + R है, तो बस यहाँ पे 100 - R कर देना है, सिर्फ ये माइनस का चेंज है, और पूरा क्वेश्चन आपका वैसा का वैसा ही होगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी ट्रिक, और बहुत ही अच्छी ट्रिक है, याद करने का भी कोई इशू नहीं है इसमें। अगर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है, आई थिंक ये 4 क्वेश्चन है, और इसको ट्राई करिए जल्दी से, जो भी इसका राइट आंसर आएगा कमेंट बॉक्स में बताएगा। यदि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम 30% और 40% अधिक हैं पूछा जा रहा है, तो दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है। देखिए मैं मान लेता हूँ जो तीसरी संख्या है उसको 100%, ठीक है, कि जो तीसरी संख्या है वो 100 है, तो पहली संख्या जो कितनी है 30% ज़्यादा है, और दूसरी संख्या 40% ज़्यादा है, तो 100 को मैं जब 30% से बढ़ाऊँगा तो कितना हो जाएगा 130%, और जब मैं 100 को 40% से बढ़ाऊँगा तो कितना हो जाएगा 140। यहाँ पे अब क्या पूछा जा रहा है, देखिए इतना क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको थोड़ा सा छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए कि जब 30% बढ़ेगा 100 तो 30 से बढ़ जाएगा, और 40 से बढ़ेगा तो 40 ही बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे बोला जाए तो दूसरी से पहली का प्रतिशत कितना है, यानी कि जो दूसरे वाली संख्या है वो पहली का कितना प्रतिशत है, तो आपको सीधा सीधा यहाँ पे क्या करना है, दूसरी का यहाँ पे कंपैरिजन किया जा रहा है पहली से, ठीक है, तो पहली को आप ऊपर रखेंगे, नीचे रखेंगे दूसरे वाली संख्या को, तो 130 / 140 इंटू कर देंगे 100 से, तो कितना हो जाएगा 92.67% आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आशा करता हूँ मैं। अगर कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, 5 या 6 क्वेश्चन है, ठीक है। तो किसी संख्या का 40% संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 30 है, तो संख्या होगी, देखिए किसी संख्या का 40% संख्या में से घटाने पर प्राप्त संख्या 30 है तो संख्या होगी, तो आपको क्या मानना है, उस संख्या को हम मान लेते हैं x,
ठीक है, इसको एक्स मान के करेंगे तो तब भी बहुत सिंपल होगा। एक ट्रिक और भी है, बट ट्रिक याद करने की ज़्यादा भी झंझट मत पालिए, क्योंकि आप अगर हर क्वेश्चन में ट्रिक को याद करेंगे तो बहुत सारी ट्रिक्स हो जाएंगी, फिर वो कन्फ्यूज करने लगेंगी। तो ये क्वेश्चन एक्स से बहुत ही आसानी से हो सकता है। माना कि हमने वो संख्या एक्स है, तो एक्स हमने वो संख्या मानी और उसका एक्स का 40% अगर मैं इसमें से घटा दूँ तो कितना आता है, 30 आता है। तो एक्स का 40% आपने निकाला और वो इसमें से घटा दिया, ठीक है। ये हम विजुलाइज कर रहे हैं इसको, हमने पूरा मतलब कोई संख्या वाइज नहीं घटाया है। तो एक्स का हमने 40% निकाला और वो हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो कितना आया, 30 आया। तो ठीक है, इसको हम सोल्व कर लेते हैं। 100 की इसमें की तो कितना हो जाएगा, 100x, और ये इसमें 40 की हो जाएगी, तो 40x अपॉन में 100, और ये हो जाएगा 30। यहाँ पे क्या होगा आपका, इसको हम सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 60x और अपॉन में 100, और ये हो जाएगा 30। तो कितना हो गया आपका, देखिए भाई इसको सोल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरीके से, तो 100 × 30 और अपॉन में हो जाएगा 60। तो एक्स की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, ये 50 आ जाएगी, ठीक है, क्योंकि 360 को डिवाइड करेंगे तो आपका 50 आ जाएगा, सॉरी 3000। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो 50 आपका राइट आंसर बन जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका हो जाएगा बी राइट आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7वां है, इसको देखते हैं क्या राइट आंसर रहेगा। 4 मोर ऑरेंजेस कैन बोट फॉर ₹56। सॉरी चलिए मैं हिंदी में पढ़ देता हूँ। संतरों के मूल्य में 30% की कमी हो जाने पर ₹56 में 4 संतरे अधिक खरीद सकते हैं, तो बताओ संतरों का घटा हुआ मूल्य क्या है। देखिए संतरों के मूल्य में जब 30% की कमी हो जाने पर ₹56 में हम 4 संतरे अधिक खरीद सकते हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले संतरे की प्राइस निकाल लूँगा। तो 56 को 4 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा आपका, 14 आ जाएगा। अब इसका 30% घटा हुआ निकालना है, तो 14 का आप 30% निकाल लीजिए तो कितना आएगा, 4.20, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब दो दो स्टेप के क्वेश्चन है, परसेंटेज चैप्टर हार्ड नहीं है, बस करने का तरीका क्या है वो आपको आना चाहिए। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, और इसको ट्राई करिए, बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। अ पर्सन कैन बोट 10 kg मोर राइस फॉर ₹600 बिकॉज ऑफ 25% रिडक्शन इन कॉस्ट। द रिड्यूस प्राइस ऑफ राइस पर किलोग्राम इज, चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति ₹600 में 10 kg अधिक चावल खरीद सकता है। चावल का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है। इसको करने का भी सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे इसके दो क्वेश्चन मैं कराने वाला हूँ। देखिए यहाँ पे चावल के मूल्य 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति ₹600 में 10 kg अधिक चावल खरीद लेता है। आपको कुछ नहीं करना है, ₹600 का 25% निकालिए, क्योंकि यहाँ पे लाइन पे ध्यान दीजिएगा क्या बोला गया। चावल के मूल्य में 25% की कमी होने पर कोई व्यक्ति ₹600 में 10 kg अधिक चावल खरीद ले रहा है। तो 600 का 25% निकालिए तो कितना आ गया, 600 का 25% आपका आ गया 150। अब 150 का रिड्यूस प्राइस आपको निकालना है, तो इसमें कितना वो अधिक खरीद ले रहा है, 10 kg चावल अधिक खरीद ले रहा है। तो आपको क्या करना है, ये 150 प्राइस आया आपके रिड्यूस प्राइस, तो पर किलोग्राम आपको निकालना है, तो 150 को 10 से डिवाइड कर दीजिए, ₹15 पर किलोग्राम आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि रिड्यूस प्राइस आपका कितना आया था, टोटल रिड्यूस प्राइस आपका 150 था, रिड्यूस प्राइस पर किलोग्राम आपका कितना है, 150 को 10 से डिवाइड किया तो ₹15 पर किलोग्राम आपका राइट आंसर आ गया। तो क्वेश्चन सिंपल है, सीधा है, और यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सिंपल है, ट्राई करिए। यहाँ पे बोला जा रहा है अ ट्रेडर कैन बाय, सॉरी मैं इसको हिंदी में पढ़ देता हूँ, चाय के मूल्य, जो इंग्लिश में पढ़ना चाहते हो इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, हिंदी में तो मैं आपको बिल्कुल एक्सप्लेन करता चलता हूँ। चाय के मूल्य में 10% की कमी होने से एक व्यक्ति ₹22,500 में 25 kg अधिक चाय खरीद सकता है। चाय का प्रति किलोग्राम जो कम हुआ है कितना, मूल्य कितना हुआ है, तो ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पे बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, इसको ट्राई करिए भाई, ठीक है, और इसका राइट आंसर सभी का आना चाहिए बिल्कुल, क्योंकि ऊपर जो मैंने क्वेश्चन कराया बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन था। तो आपको क्या करना है, 22,500 का, देखिए यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ, 22,500 का 10% कैलकुलेट करिए, कितना आएगा, 2,250 आ जाएगा, सीधा सीधा सा। अब ये 2,250 जो है टोटल रिड्यूस प्राइस आया है, यानी कि कितना प्राइस रिड्यूस हुआ है, तो रिड्यूस प्राइस पर किलोग्राम कम हुआ प्राइस प्रति किलोग्राम का कितना रहेगा, 2,250 को जब मैं 25 से भाग कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो कितना आ जाएगा, ₹90 प्रति किलोग्राम। तो यही आपका राइट आंसर है, मतलब दो स्टेप का क्वेश्चन था ये भी। अब इसमें आप कई तरीके से कर सकते हैं, अब यहाँ पे क्या करते हैं बहुत सारे बच्चे इसको अलग अलग तरीके से करते हैं, बिल्कुल इसको लेंथी बना देते हैं, तो वो मतलब क्वेश्चन का आंसर तब भी आएगा, आप दो लाइन में करेंगे तब भी आएगा, हमें
आंसर से मतलब होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे कैलकुलेशन के आपको कोई मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, और बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन भी मतलब बहुत ज़्यादा बार पूछा जा चुका है ऑलरेडी, तो इस क्वेश्चन को मैं करने का सबसे आसान तरीका आपको बताने वाला हूँ। बस आप इसको ध्यान से देखिएगा, अगर ये क्वेश्चन की ट्रिक और ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छा लगे तो लाइक करिएगा वीडियो को जरूर। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, एक शहर में पुरुष तथा महिलाओं की संख्या 5:6 के अनुपात में है। यदि पुरुषों में 40% तथा महिलाओं में 25% अवयस्क हैं, यानी कि माइनर हैं। यदि वयस्क पुरुषों की संख्या 13,500 है, यानी कि एडल्ट पुरुषों की जो संख्या 13,500 है, तो बताओ शहर की कुल जनसंख्या क्या है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी क्या है, ये आपको बताना है। देखिए शहर में पुरुष और महिलाएं हैं जिनका जो रेशो दे रखा है 5:6 का दे रखा है। यदि पुरुषों का 40% तथा महिलाओं का 25% अवयस्क है, यानी कि जो माइनर हैं वो हैं, तो यहाँ पे आपको क्या करना है भाई। देखिए अगर 40%, सीधी सीधी सी बात देखिएगा, यहाँ पे जो वयस्क है, जो एडल्ट है, वो कितने 13,500 है, और यहाँ पे क्या बोला जा रहा है 40% यहाँ पे जो पुरुष है वो अवयस्क है, यानी कि आपका माइनर है। तो 40% अगर अवयस्क है तो आपके वयस्क कितने होंगे, वो आपके 60 हो जाएंगे। तो सीधा सीधा 60% की वैल्यू आपको दी गई है 13,500। देखिए क्वेश्चन को अगर आप जितना ध्यान से पढ़ लेंगे, जितना टाइम लगा के आप पढ़ लेंगे, वो आपका बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं होगा। अगर आप ध्यान से क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे और डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, तो जितना भी टाइम आप उसमें लगाएंगे वो आपका वेस्ट हो जाएगा। तो इसको ध्यान से पढ़िए बिल्कुल। यहाँ पे 40% जो बोला गया है, ये बोला गया जो माइनर मतलब मैन है, जो माइनर है, तो वो 40% है। तो एडल्ट कितने होंगे, वो 60 हो जाएंगे ना। तो 60% का आपका 13,500 बन जाएगा। तो 60 का, तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, देखिए माइनर 40% है, एडल्ट 60% है, तो 60% आपका 13,500 के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम 100% मैन निकाल सकते हैं कि टोटल मैन है कितने। तो 13,500 को 60 से भाग करिए, 100 से गुना कर दीजिए, क्योंकि 60% की वैल्यू ये है, तो 60 से डिवाइड कर देंगे। हमें इसको 100% बनाना है, तो 100 की इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 22,500 आपके टोटल मैन है, ठीक है। उसमें माइनर भी है और एडल्ट भी दोनों हैं, तो आपके कितने हो गए ये, सॉरी 22,500 आपके टोटल मैन हो गए। अब यहाँ पे बात की जा रही है मैन और जो वुमेन है उनकी दोनों के रेशो की, तो 5:6 का रेशो है। अगर ये देखिए 5 और 6 का, इनका बीच का रेशो है मैन और वुमेन का, मैन का मुझे पता चल गया 22,500 है, तो 22,500 को मैं 5 से भाग कर दूंगा, ठीक है। और ये क्या करूंगा मैं, इसमें 11 की मल्टीप्लाई कर दूंगा। 11 की मल्टीप्लाई क्यों, क्योंकि मैन और वुमेन दोनों को मैं प्लस करके 5 और 6 11 से गुणा कर दूंगा। तो 22,500 को मैं 5 से भाग किया तो कितना आएगा 4,500, और 4,500 की मल्टीप्लाई 11 में कर दी तो कितना आ जाएगा 49,500, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें कोई भी डाउट आपका रहता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं वहाँ पे भी रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। चलिए फिर, तो आज की वीडियो में था इतना ही। आपको अगर वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक शेयर तो जरूर करेंगे, और आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बहुत सारे टेस्ट सीरीज मैंने आपको बताई थी ऑलरेडी, जो शुरू में ही बता दी थी मैंने, उनको आप परचेज करके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तभी आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे और तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे। तो जितने भी मैंने टेस्ट के यहाँ पे बताए थे शुरू में, ग्रुप डी का, RPF SI, कॉन्स्टेबल, SSC GD, UP पुलिस, सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए हैं। तो 20 टेस्ट है आपके, वो 120 रुपये में, और 120 आपके आफ्टर डिस्काउंट है। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि डिस्काउंट इसमें है क्या, तो इसमें 30 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद में क्या बचेगा, 90 रुपये। तो 90 रुपये का कोई भी टेस्ट नहीं आ पाएगा। तो आप ये थोड़ा सा समझ लिया करें कि 30 रुपये का डिस्काउंट देने के बाद में 120 रुपये मैंने लिखे हैं। तो यहाँ पे इसमें आप जो डिस्काउंट ले सकते हैं उसके लिए कोड मैं आपको बता देता हूँ, SOURABH SPL, ठीक है। तो मैंने वो शुरू में बता दिया था, आप दोबारा से देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिख दूंगा। SOURABH SPL कोड को यूज करिएगा तो वहाँ पे आपको 30 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा, यानी कि 20% का डिस्काउंट है, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो को देखें, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, थैंक यू।